यार शॉमी ने चाइना में अपना एक नए फ़ोन की सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है शॉमी MI प्ले। दोस्तों उसका पहला फ़ोन जो कि लॉन्च हो चुका है चाइना में, तो यार वो रन कर रहा है एंड्रॉयड 8.1 पे, और उसकी बाकी क्या स्पेसिफिकेशन है उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों देखते रहिए ये वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं उस फ़ोन के बारे में, तो फ़ोन का नाम तो हमने आपको बता दिया है जो कि है MI प्ले। दोस्तों बेसिकली ये एक नई सीरीज़ है जो कि प्ले सीरीज़ है MI की, जो इंडिया में भी आ सकती है, और काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे र्यूमर्स वगैरह आ रहे हैं जिनकी वजह से पता लग रहा है कि ये सीरीज़ MI इंडिया में भी कंटिन्यू करेगा, और इंडिया में भी इस सीरीज़ के काफ़ी मतलब कम बजट में काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स। और इसका स्पेशल जो मोटिव है वो तो है इसका डिज़ाइन। दोस्तों इस सीरीज़ के जो डिज़ाइन होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले होंगे। तो दोस्तों इस फ़ोन का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्लास फिनिशिंग आपको मिलती है, और इसका प्राइस जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे वो है डिस्प्ले। तो दोस्तों यार इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगी जो कि आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी। हाँ आपने Xiaomi Redmi Note 6 Pro में एक बड़ी गंदी सी नॉच देखी थी, पर आपको इस फ़ोन में बिल्कुल भी वैसी नॉच नहीं मिलने वाली है। इसमें आपको एक वाटर ड्रॉप जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव सी चीज़ है वो मिलेगी, और जिसकी वजह से आपका फ़ोन काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। और डिस्प्ले की जो रेशो होगी वो 19:9 होगी, जिसका साइज़ आपको 5.84 इंचेस मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यार इसमें आपको 2.3 GHz का प्रोसेसर मिलेगा जो कि हीलियो P35 होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों हीलियो का P35 भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अभी तक आपने वो बाकी फ़ोन्स में देखा होगा और उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों इसमें आपको एक गेमिंग प्रोसेसर भी स्पेशली मिलेगा डेडिकेटेड, जो कि IMG GE8320 नाम का प्रोसेसर है जो कि क्लॉक्ड है 860 MHz पे। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर हो सकता है ये भी, मतलब कि Xiaomi ने इस फ़ोन की सीरीज़ में गेम्स के लिए भी काफ़ी ध्यान रखा है। मतलब जैसे कि आपको पता है कि आजकल फ़ोन में जो मोबाइल गेमिंग है वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, और सबको ये चाहते हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन भी बिग बिग गेम्स जो कि मतलब ज़्यादा साइज़ की गेम्स हैं और ज़्यादा ग्राफिक गेम्स हैं वो सपोर्ट करें। तो दोस्तों Xiaomi ने इस फ़ोन में इस चीज़ का ध्यान भी रखा हुआ है। और अगर हम आपको इसी में बताएं कि रैम के बारे में, तो इसमें आपको दो वेरियंट्स मिलेंगे जो कि एक 4 GB और 6 GB रैम हो सकती है। और यार इसमें आपको जो रोम मिलेगी वो 64 और 128 GB की रोम मिलेगी, जो कि मतलब काफ़ी जायज सी बात है, ऐसा ही मिलता है हमें हमेशा कॉम्बिनेशन। और अगर मैं आपको बता दूं इसके कैमरा के बारे में, तो यार इसमें आपको कैमरा में मतलब Xiaomi ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों ये स्पेशली कोई कैमरा सीरीज़ नहीं है, ये एक नई सीरीज़ है जो कि एक नॉर्मल सा फ़ोन बनाने वाली है जो कि डिज़ाइन और हमें मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी देने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि रेयर में जो हमें कैमरा सेटअप मिलता है जो वो है 12+2 MP का ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, और फ्रंट में हमें 8 MP का एक सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि HDR पे फ़ोटो लेने के लिए कैपेबल है, और उसमें आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर हम बैटरी की बात करें, तो बैटरी हमें इसमें कुछ ज़्यादा 4000 वाली जी 5000 वाली ये चीज़ें नहीं मिलती, इसमें हमें 3000 की बैटरी मिलती है, 3000 mAh, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है एक नॉर्मल यूज़र के लिए, और एक दिन आराम से चल जाती है पूरे दिन के लिए। और इसमें आपको क्विक चार्जिंग की सपोर्ट तो मिलेगी, पर दोस्तों मज़े की बात ये है कि इसमें आपको जो क्विक चार्जर है यानी कि जो अडेप्टर है वो इंक्लूडेड मिलेगा बॉक्स में, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्टेप है Xiaomi की द्वारा। चलो यार अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइस के बारे में। दोस्तों चाइनीज़ करेंसी में जो इसका प्राइस है उसको कन्वर्ट करके अगर हम देखें, तो इसका प्राइस हमें इंडिया में लगभग 13,500 रुपये के आसपास मिलता है। बाकी दोस्तों जब इंडिया में लॉन्च होगा उस हिसाब से क्या प्राइस आएगा तभी पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए हम आपको बता रहे हैं जो इसका प्राइस है वो है 13,500 के आसपास। तो दोस्तों ये थी हाल ही में लॉन्च हुए Xiaomi के MI प्ले फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, और दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए चैनल को। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आप उस बेल बटन को भी ज़रूर दबाएंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखना।